स्वच्छता में हैट्रिक लगा चुका इंदौर शहर इन दिनों अजीब सी बदबू की समस्या से जूझ रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों के बाशिंदे लगातार जिम्मेदारों को शिकायत कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में अजीब सी बदबू फैल रही है। वहीं दूसरी तरफ निगम के जिम्मेदारों पर ही शहर के खुले स्थानों पर कचरा फेंकने और बदबू फैलाने की शिकायत सामने आई है। शहर की कल्याण मिल क्षेत्र के निवासियों ने मंगलवार को क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ मोर्चा संभाला और निगम के अधिकारियों पर कल्याण मिल परिसर की खाली पड़ी जमीन पर कचरा फेंकने और उस पर मिट्टी डालकर कचरे को दबाने का आरोप लगाया। निवासियों का कहना है कि निगम के जिम्मेदारों को कई बार शिकायत करने के बावजूद निगम कर्मियों की इस करतूत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से यह क्षेत्र के निवासियों को अजीब सी दुर्गंध की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि क्षेत्र में कचरा सब स्टेशन नहीं होने के बावजूद कल्याण मिल परिसर में पिछले 6 महीने से अस्थायी ट्रेचिंग ग्राउंड के रूप में कचरा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसे लेकर निवासियों में रोष है। निवासी ने विरोध प्रदर्शन के द्वारा चेतावनी दी है कि यदि अभी भी निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो और कचरा इकट्ठा करना बंद नहीं किया जाता है तो निवासी उग्र प्रदर्शन को मजबूर होंगे। आज किस तरह का यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या पूरा मामला है, टिंचिंग ग्राउंड यहाँ पे जो बन रहा है? देखिए, ये जो टिंचिंग ग्राउंड के स्वरूप में आप ये जगह देख रहे हैं, इसको कल्याण मिल परिसर बोलते हैं। आसपास पूरा रहवासी क्षेत्र है। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया इस बात से कि यहाँ कचरा नहीं डालें, पर कहीं ना कहीं वो उनकी हिटलर सही दिखाते हैं नगर निगम के अधिकारी। कई बार तो उनने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया बोलने के बाद, और ये हालत है कि इसको मिनी टिंचिंग ग्राउंड के रूप में वो बनाना चाहते हैं। पर उनका जो ये सपना है, ये जनता द्वारा और मेरे द्वारा जब तक हम लोग यहाँ एक्टिव हैं साकार नहीं होने देंगे। आज के बाद कभी भी हम कल्याण मिल परिसर में कचरा डलने नहीं देंगे। ये कचरा जो डला है ना, सिर्फ कचरा नहीं डला है, कई जगह यहाँ गड्ढे खोद रखे हैं। गड्ढे खोदने के बाद उसके ऊपर उनने क्या कर रहा है, मिट्टी डाल दी है। आप अगर यहाँ जेसीबी चला के देखेंगे और जेसीबी थोड़ा सा भी खोदेंगे तो उसके नीचे पूरा आपको कचरा ही कचरा मिलेगा। तो मिनी टिंचिंग ग्राउंड बनाने का शायद सपना नगर निगम देख रही है। आसपास का पूरा क्षेत्र बदबू से परेशान है। जितने भी लोग आसपास रहते हैं वो कई बार शिकायत कर चुके हैं। हम नगर निगम के बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुके हैं, पर नगर निगम के बड़े अधिकारी कहीं ना कहीं क्या पता कांग्रेसियों के दबाव में हैं या किसके दबाव में हैं। यहाँ मिनी टिंचिंग ग्राउंड बनाने का शायद उनका यह सपना, मुझे लगता है, जनता द्वारा साकार कभी नहीं किया जाएगा। और जो लोग यहाँ रहवासी आप देख रहे हैं आज अभी यहाँ गाड़ी देख रहे हैं आप, गाड़ियाँ खाली होने आई कचरे की। हमने आज प्यार से उनको समझाया और गाड़ी की चाबी निकाल ली है कि यहाँ कचरा नहीं डालें। आज से अभी से हम कभी भी अब यहाँ कचरा नहीं डालने देंगे। जोन क्रमांक 6 में आते हैं 25, 26 और 27, ये चारों वार्ड का जोन का कचरा यहाँ ला के डालते हैं। उसके बाद यहाँ से डंपर में भरते हैं, थोड़ा बहुत जो भरते हैं वो ले आते हैं, बाकी सारा यहीं छोड़ देते हैं। आसपास का पूरा क्षेत्र बदबू से इतना परेशान है कि बच्चे बाहर तक निकलना बंद कर दिया। आग लग जाती है, कई बार आग लग गई, फायर ब्रिगेड आती है। आसपास के क्षेत्र में जितने बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, पेड़ भी पूरे नष्ट हो गए। आसपास के क्षेत्र के जितने लोग हैं बदबू से बहुत 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 परेशान हैं। और मैं नगर निगम के अधिकारियों को वीडियो के द्वारा अवगत करा रहा हूँ इस बात से कि आज के बाद अगर अभी से यहाँ कोई भी गाड़ी आई तो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त होगी और जो गाड़ी लेके आएगा उसके साथ भी कोई घटना हो सकती है। तो मैं उनको ये समझाई देना चाहता हूँ कि आज के बाद कभी भी यहाँ गाड़ी नहीं लेके आए, और जो ये मिनी टिंचिंग ग्राउंड बनाने का उनका जो ये सपना है वो बिल्कुल ना देखें। मेरे द्वारा और पब्लिक के द्वारा बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा।